वेलकम बैक टू एक पहाड़न। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, हम आए हैं गांव के एक और घर में और यहाँ पर हल्दी सुखाई जा रही है। तो जब खेतों से हल्दी निकाल लेते हैं उसके बाद उसे अच्छी तरह धोकर सुखाने के लिए रख देते हैं। क्या कर रहे हो ये? हल्दी कुटाई हो रही है इसकी। अच्छा, में देंगे पीसने के लिए। हाँ हाँ, सुखानी है पहले पूरी ना? पहले सुखानी है इसको। हाँ, तो ये सिलबट्टे में हल्दी कूट। दादी कहाँ जा रखी? दादी से तुम्हारी घास गई भी। अच्छा ठीक है। हाँ बेटा, पीहू आगे चले गए। ये देखो मिस्त्री थिन थिन लगी हुई है। मिस्त्री थिन थिन क्यों लगे हो आप? क्यों लगे हो? तो मिस्त्री की मम्मी नहा रही थी तो मिस्त्री हमारे साथ आई है वॉक पे। ठीक है चलो, ये दादी और नानी के घर आए ना सबके सब। और अब दानी भी आ गए। दानी भी हेलो बोलो सब। हेलो एवरीवन। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं बच्चों की नजर से अपना भरपूर। अच्छा, जो आ रखा होगा बाहर। अच्छा, चलो बाबा चलो। तब दादी बोल रही है अभी कि बाहर चलो, कि एक सांड आ रखा ना, वो परेशान कर रहा है अंदर आके। आपको किसी और दिन कराएंगे। हाँ सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं धारे और इसकी बेटी छो गई थी मिस्त्री और बच्चों को हमने ना टीवी देखने के लिए छोड़ दिया घर पे और हम लोग धारे जा रहे हैं। फटाफट भाग दे, जल्दी जल्दी। देखो ये बाल्टी खाली करी, बाल्टी नहीं क्या, हाँ बंटी। हाँ, खा बंटी खाली करी हमने। इस बंटी में पानी था तो हमने ना इसका पानी प्रेशर कुकर में भरा, क्योंकि इसने कहा कि मैं डब्बे लेके नहीं जाऊंगी। शर्म आती है मैं। हाँ इन्हें शर्म आती है। और मैं पी पाऊँ 5 लीटर का शर्म है। देखो ये दादाजी लोग यहाँ पे सेक रहे हैं धूप और ये है हमारे हरे भरे खेत। ये जो बोए हुए हैं प्याज के पौधे लगाने हैं। हाँ प्याज की पौधी हल्की हल्की छांटे छांटी है जो। और यहाँ पे है धनिया और इस साइड है लहसुन। तो गांव में सब अपना होता है भाई, ऑर्गेनिक फूड। और ये देखो ये पत्थर से बना हुआ छोड़ा हुआ मकान और इसके ऊपर बिल्ली बैठी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे और लोग बैठे हुए वो धूप सेक रहे हैं। हमारे धारे का रास्ता और पास में ही है उसे। आज तो मुझे बहुत पास लग रहा, जब नई नई मेरी शादी हुई थी ना तो मुझे बहुत दूर लगता था धारा, और अब जैसे जैसे पुराने रहे ना वैसे वैसे पास लग रहा। तो यहाँ पे ये आम के पेड़, 2-3 आम के पेड़ हैं ये बड़े बड़े से। सोड़न बोलते थे, सोड़न और सोड़न की मौसी बोलते थे और से कुकरिया। क्यों यार मुझे भी नहीं पता, पर पहले बोलते थे इसको सोड़ा, ये बहुत मीठी मीठा होता है। हाँ तो जब हम गर्मियों में आए थे ना जुलाई अगस्त में, तो ना बच्चे ना इनसे मतलब आम ले लेके घर लेके आते थे थैले भर भर के। तो हमने बहुत आम खाए इस बार। ये हमारा धारा है और ये बहुत बदल चुका है। मैं करीबन 4 साल पहले आई थी यहाँ पे, 4 साल के बाद अब आ रही हूँ भाई के। यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी याद है। यहाँ पे ना भाभी हम लोग बैठे रहते थे पहले चबूतरों में ना। हाँ मतलब हाँ, 5 बजे हम लोग आ जाते थे और 6 बजे सबसे लास्ट में जाते थे हम। अब वो भी पता क्या बोलते थे, बारी लगाई होती थी एक दिन एक ने बनना, दीदी लोग सबसे लास्ट में जाते थे। सो गाइस, धारे के पानी की ना बात ही कुछ खास होती है। मतलब सर्दियों में गर्म पानी आता है गुनगुना सा, और जब गर्मियाँ रहती है तो बहुत ठंडा पानी आता है। हाँ तो ये खास बात है ना। और इनके आगे जो हमारे एक्वागार्ड और आरओ ये सब ना ठीक है, फेल है एकदम। चलो तब पानी भरते हैं हम। पहले हम लेके आते हैं तांबे के बंटे और हमारी तांबे की बंटी फूट गई तो हमने अब स्टील की बंटी ले ली है और अब हम इसे अपने जो प्योर धार है ना हमारा पानी का उससे भरेंगे। तो ये देखो 2 सेकंड नहीं लगेंगे भरने में, नहीं 18 सेकंड लगेंगे एटलीस्ट भरने में, और अभी हमारा पानी भर जाएगा। तो आप लोग बताना अगर आप लोगों की भी ऐसे अपने धारे से जुड़ी हुई कोई भी पुरानी याद है तो जरूर कमेंट करना। ये भी गुनगुना पानी है यार, घर से अच्छा पानी है, नलों से अच्छा। यहाँ तो कपड़े धो ले। हमने उठा लिया अपने पानी की बंटी और अब ये चल पड़ी है घर को, और मैंने भी ले लिया अपने 5 लीटर का पीपा, ये देखिए। और अब हम घर को जा रहे हैं।
तो ऋषि 4 साल बाद बंटी उठाई है, तो ऋषि कह रही मेरी गर्दन क्या हो रही है, हिल रही है। गर्दन तो हिलेगी यार, तू तो पूरी हिल रही है। ये देखो ये यहाँ एक्शन दिखा रही है। तो ये देखो ये गागर लेके खड़ी होगी यहाँ पे रास्ते में, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं, बच्चे इसकी गागर ना गिरा दे, इस चक्कर में ये वेट कर रही है। सो गाइस चलो हम बच्चे निकल गए, अब हम भी चलते हैं घर को। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।